अजय सर ने एक बात बोली, बोले बेटा जब चेस खेलते हो ना, मैं बोला हाँ सर खेलते हैं, किसको कौन कौन जानता है चेस प्ले गेम? नहीं जानते हो? जानते हो, जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, खेले भी हैं। तो उसमें घोड़ा जो होता है ना, ढाई कदम चलता है, है ना, कि सीधा सीधा ही चलता है, हमेशा ढाई कदम चलता है। तो अजय सर ने एक बात बोली, बोले बेटा चेस में भी ना कभी कभी घोड़े को दो ढाई कदम पीछे आना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप गेम हार गए, आपके दिमाग में कुछ और चाल चल रही है। तो बोले लाइफ में भी ऐसी होता है, कभी आप अगर एक कदम दो कदम पीछे आ जाते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप हारने वाले हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो कभी कभी आपको ऐसा लाइफ में लगा होगा कि यार क्या मतलब ठीक नहीं चल रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। लगता है ऐसा कभी कभी? लगता है जितना करते उतना हो नहीं पाता है। कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। इंग्लिश कितने लोगों को हार्ड लगती है? मतलब इससे टफ सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सोशल मैथ्स वाले कौन है? मैथ्स जमता नहीं है, मेन है। अरे वाह, पॉइंट ये था कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना, तो अजय सर की ये बात याद कर लो। क्या? कि अगर चेस में आप ढाई कदम घोड़े को पीछे लेते हो, मतलब क्या कि आप गेम हार रहे हो क्या?